Yes, ब्रांच बेटा अब आ रही आवाज आपको कर दे स्टार्ट ठीक है अब देखो बच्चों हाँ तो क्या क्या प्रिकॉशन ले सकते हैं आप लोग कि हैंकी का यूज करें कफ करते टाइम या स्नीज करते टाइम ठीक है हैंड वॉश करें खाना खाने से पहले अगर किसी को इन्फेक्शियस डिजीज है तो वो बेचारा घर पे रहे ठीक है और क्या कर सकते हैं अपने आसपास के सराउंडिंग्स को क्लीन रख सकते हैं हम और क्या कर सकते हैं इम्यूनाइजेशन क्या है इसका आंसर मैं आप लोगों को लिखवा चुका हूँ ठीक है इसको एज इट इज उसमें लिख देना वॉट आर द इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम अवेलेबल एट द नियरेस्ट हेल्थ सेंटर इन योर लोकेलिटी विच ऑफ दिस डिजीज आर द मेजर हेल्थ प्रॉब्लम इन योर एरिया तो अपने एरिया में तो इसमें तो क्या ही बताओगे तो काफी सब्जेक्टिव आंसर है है ना थोड़ा सर्वे वगैरह का आंसर है पर इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम आपके क्या क्या चलते हैं सबसे पहले आप पोलियो का नाम ले सकते हो है ना बाकी और भी कई सारे हाँ मी, अभी हमने यहाँ पर देखे थे डाइपथेरिया का लगता है डीपीटी बोलते हैं उसको टेटनस का लगता है ठीक है ये सारे लगते हैं हेपेटाइटिस का भी लगता है चिकन पॉक्स का भी लगता है ठीक है मीजल्स का भी लगता है ये सारे लग जाएंगे इसमें आपको और अगले पार्ट का आपको इसका आंसर करने की जरूरत है विच ऑफ दिस इज आर द मेजर हेल्थ प्रॉब्लम अभी तो कोरोना ही चल रही है कोरोना लिख देना इसमें

रुमाल का यूज करें या मास्क का यूज करें हाथ धोया करें आसपास का सराउंडिंग क्लीन रखें यही सारे ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं और बार बार यूज करने हैं आई बात समझ में अपनी हैबिट्स में हम यही चेंज कर सकते हैं ना कि अपने आसपास सफाई रखें अपनी सफाई रखें अपने को बीमारी से बचा के रखें थिंक ऑफ वन चेंज यू वुड विश फॉर इन योर सराउंडिंग टू अवॉइड मोस्ट ऑफ दिलनेसेस अपने आसपास में क्या चेंज करोगे आप अपने आसपास के सराउंडिंग को क्लीन रखोगे और क्या चेंज करोगे अगला क्वेश्चन कहता है डॉक्टर नर्स हेल्थ वर्कर इज एक्सपोज टू मोर सिक पीपल देन अदर्स इन द कम्युनिटी फाइंड आउट हाउ ही और शी अवॉइड्स गेटिंग रिस्क तो कहता है कि जो एक डॉक्टर होता है या नर्स होता है जो हेल्थ वर्कर होते हैं उनके ज्यादा चांस होते हैं किसी भी बीमारी के संपर्क में आने में है ना नॉर्मल इंसान के मुकाबले पर उसके बावजूद वो क्या करते हैं उनको कम बीमारी लगती होगी या हम मानते हैं कि कम लगती है तो आपको फाइंड करना है कि वो क्या क्या हेल्थ मेजर लेते हैं अपने आप को बचाने के लिए तो इसमें फिर से वही आप लोग अपना वो यूज करोगे कि वो क्या करते होंगे अपने नोज को और माउथ को कवर करके रखते होंगे अपनी प्रॉपर हाइजीन रखते होंगे अपने हाथ धोते होंगे साबुन से खाना खाने से पहले पानी पीने से पहले मास्क का यूज करते होंगे ग्लव्स का यूज करते होंगे किसी से डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में नहीं आते होंगे है ना आई बात समझ में क्लियर है बच्चों अपने जो जनता है उनको क्लीन वाटर दे सकती है बच्चों में इम्युनाइजेशन करवा सकती है और क्या करवाएंगे और बीमारियाँ क्या ही लिखोगे तुम इसमें कुछ भी मतलब नहीं सर आप सर्वे वाले क्वेश्चन नहीं बेटा ऐसे क्वेश्चन नहीं दूंगा मैं जो सब्जेक्टिव होंगे मतलब वही क्वेश्चन दूंगा मैं जो प्रॉपर क्वेश्चन है इनका तो कोई बच्चा भी कुछ भी आंसर लिख सकता है ना तो फिर हम एग्जामिन कैसे करेंगे कि क्या जैसे कहता है कि जो छोटा बच्चा है ठीक है वो बता तो पाता नहीं अपने मम्मिया पापा को कि मैं बीमार हूं है ना तो आप कैसे पता लगाओगे कि जो बेबी है वो सिक है ठीक है और उसकी बीमारी क्या है कैसे पता लगाएंगे हम हम अब देखो बच्चे को हम चेक तो करते रहते हैं तो हम उसका टेम्परेचर चेक कर लेंगे कि उसको फीवर या का। फीवर है या नहीं है इसी तरह अगर वो खांस रहा है है ना तो टेम्परेचर चेक कर सकते हैं हम उसकी कफिंग चेक कर सकते हैं लूज मोशन चेक कर सकते हैं अगर नॉन स्टॉप क्राइंग करे जा रहा है अगर बिना रुके रोए जा रहा है रोए जा रहा है है ना या खाना नहीं खा रहा है अच्छे से तो ये सारे क्या हो सकते हैं हमारे लिए सिम्टम हो सकते हैं कि वो क्या है वो क्या बेचारा बीमार है है ना दैट द बेबी इज सिक एंड वॉट इज सिकनेस तो उसी से हमें पता चलेगा सिम्टम से ही ठीक है कि बीमारी क्या है और यहाँ पर बल्कि आपको ये लिखना चाहिए कि हम उसकी बीमारी पता नहीं करेंगे हम उसको डॉक्टर पे लेके जाएंगे सिम्टम से हम बीमारी को जज नहीं करते साइन से जज करते हैं जो कि डॉक्टर ही करेगा है ना नेक्स्ट है आपका अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज अ पर्सन मोस्ट लाइकली टू फॉल सिक अब इसमें से तीन कंडीशन दिया आपको तीन में से सबसे ज्यादा चांस किसके हैं बीमार होने के व्हेन शी इज रिकवरिंग फ्रॉम मलेरिया वेन शी हैज रिकवर्ड फ्रॉम मलेरिया एंड इज टेकिंग केयर ऑफ समन हु इज सफरिंग फ्रॉम चिकन पॉक्स

दूसरा केस है कि मलेरिया से रिकवर कर रहा है और चिकन पॉक्स वाले का ध्यान दे रहा है अगर यहाँ पे ये यह बोलता कि उसने मलेरिया से रिकवर कर लिया है सॉरी अगर ये ये बोलता कि उसने चिकन चिकन पॉक्स पॉक्स से रिकवर कर लिया है और, और वाले ही लोगों का इलाज कर रहा है या टेकिंग केयर कर रहा है तो नहीं होते चांस तो दूसरे में भी चांस है और तीसरे में तो देखो मलेरिया से अभी अभी रिकवर हुआ है तो बॉडी वैसी वीक होगी उसकी है ना क्योंकि मलेरिया भी क्या है डेंगू मलेरिया एक तरह की क्रॉनिक डिजीज है लंबे समय तक चलती है है ना तो बॉडी में क्या होती है एनर्जी वनर्जी कम हो जाएगी खत्म हो जाएगी तो एक तो अभी अभी मलेरिया से रिकवर कर रही है ऊपर से चिकन पॉक्स वाले इंसान का ध्यान रख रही है और ऊपर से चार दिन के फास्ट पे भी है बताओ चार दिन से व्रत रखा हुआ है तो उसकी तो बॉडी में बीमारी लगने के ज्यादा चांस है ना ठीक है तो हम क्या बोल देंगे कि एक तो वो क्या है चार दिन के फास्ट से आई है ठीक है तो उसको प्रॉपर डाइट नहीं मिली होगी आई बात समझ में ऊपर से उसकी बॉडी क्या कर रही है अभी हील कर रही है तो उसके क्या है ज्यादा चांसेस है कि उसको बीमारी लग जाएगी यही बात तो समझ में नहीं क्वेश्चन फाइव अच्छा क्वेश्चन है ये आ सकता है पेपर में बेटा इसमें सबका आंसर सेम ही होगा ना सब्जेक्टिव आंसर मतलब जिसमें हर बच्चा अपनी मर्जी से आंसर लिख सकता है इसमें तो सबका आंसर सी ही आएगा ना कोई ये तो बोल नहीं सकता कि ए आंसर है

ये क्लियर है बच्चों yes, आपको क्लियर है ठीक है तो ये आपका इसका डिस्कशन भी हो गया इंटेक्स और एक्सरसाइज का और कल ट्यूसडे को टेस्ट है आप लोगों का चार पीएम पे फोर पीएम पे ठीक है बच्चों और वेंसडे को आशका के बर्थडे के उपलक्ष में हमने रख दी है छुट्टी ठीक है <laughs> क्लियर है बच्चों सर बच्चे को तो छुट्टी है ना हाँ छुट्टी है बेटा ओके सर ठीक है बच्चों ओके ऑल द बेस्ट अच्छे से पढ़ाई करना और अच्छे से टेस्ट देना ठीक है ओके सर ओके बच्चों बाय